बढ़ते आगे, कोटा उत्तर निगम में प्रचार का आखिरी दिन है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का रोड शो हुआ। शहर के परकोटा इलाके में ये रोड शो चल रहा है। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो का जोरदार स्वागत किया गया। कल भी रोड शो किया है यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने, और आज भी रोड शो जारी है। शाम 5:30 बजे शोर थमेगा, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। सर, प्रचार का आखिरी चरण है, किस तरह का माहौल भीतरी शहर में देख पा रहे हैं आप? चारों तरफ जीत का माहौल है। मुझे तो कोई सिटी ऐसी नहीं दिख रही जहां पर कोई टक्कर हो। तो क्लियर कट कांग्रेस की विक्ट्री है, क्योंकि जो उम्मीदवार हमने दिए हैं वो एक तो निष्कलंक है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। दूसरी यह कि भारतीय जनता पार्टी का 4 बार यहां पर 20 साल तक लगातार बोर्ड रहा, कांग्रेस का तो सिर्फ एक ही बार बना, इनका 4 बार बना। इसमें कांग्रेस के बोर्ड के टाइम पर जो कुछ उपलब्धियां थी सारी की सारी वो साफ सत्यानाश कर दी। तो जनता अच्छी तरह से जानती है कि एक सड़कों पर सांड 14 के बाद में ही दिखे होंगे। 2013 में हमारी सरकार थी, 2009 से लेकर के 13 तक कभी कोई सांड से जो है वो मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इनके वक्त में 50 मृत्यु होंगी सांडों से। जो कतरा पात्र बना दिया कोटा को, करप्शन जबरदस्त कर दिया, किसी ने वो आपका डीजल घोटाला तो मिट्टी घोटाला, कई तरह के घोटाले कर दिए, जनता परेशान है इसके वजह से। कैसा कोटा शहर आने वाले सालों में कोटा के लोगों को दिखेगा, कैसा वादा, कैसा सपना दिखाना चाहते हैं आप? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि या तो जयपुर को देख लेना, जो पुरानी सिटी है, हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है, और या फिर कोटा ही देखेंगे लोग बाग। और कोटा देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे। तो चंबल रिवर फ्रंट बनेगा जिस पर 700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, उसको देखने के लिए और सिटी लेवल पार्क को देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे। चलिए, तो कोटा ऐसा शहर बनेगा कि कोटा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, कोटा उत्तर नगर निगम का परकोटे का ये इलाका है। केवटनी पोल चौराहे से शांति धारीवाल ने अपना रोड शो शुरू किया है, और ये सब्जी मंडी इलाके से होता हुआ लगातार परकोटे के इलाके में चल रहा है। और घंटाघर में फिलहाल आप देख रहे हैं कि धारीवाल का जोरदार वेलकम स्थानीय लोग कर रहे हैं। और आज एक ही दिन में शांति धारीवाल ने अपने रोड शो के माध्यम से दर्जनों वार्डों को कवर किया है, और साथ में ये सपना कोटा के लोगों को दिखाया है कि हम ऐसा कोटा शहर बनाने जा रहे हैं कि दूर दूर से लोग कोटा को देखने आएंगे। या तो इतना खूबसूरत और साफ सुथरा शहर जयपुर होगा, या फिर कोटा ही होगा। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भामरेश चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।